आज जाके अयोध्या में देखो तो सीताराम मिलेंगे। एक बात और है। कौन सी? 8 पैर 64 घड़ी और ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। ये क्या मतलब? ये मतलब बड़ा गूढ़ रहस्य का है। बोलिए। 8 पैर 64 घड़ी और ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। हाँ। ये बोलूंगा मैं। जाके अयोध्या में देखो तो सीताराम मिलेंगे। तुलसी के संग देखो तो सालिग्राम मिलेंगे। राधे। यानी कि सालिग्राम के ऊपर तुलसी जी का, उनको ठकुरानी कहते हैं नारायण, सालिग्राम जी को ठाकुर कहते हैं नारायण हरि, नारायण हरि राजन। मेरे बुजुर्गों, मैं तो चरणों की धूल नहीं हूं, लेकिन कलाकार स्वयं गाते हैं, लेकिन उसका रहस्य मालूम नहीं है किसका क्या रहस्य है। और ब्रज मंडल में देखो तो राधे श्याम मिलेंगे। आज ब्रज मंडल में देखो तो राधे श्याम मिलेंगे। क्षमा चाहूंगा, अच्छी बात लगे तो ताली बजा देना एक बार। ब्रज मंडल में देखो तो राधे श्याम मिलेंगे। ये बात हो गई सतयुग त्रेता द्वापर। अब रह क्या गया? कलयुग। कलयुग में गुंडा संत वो आसाराम मिलेंगे। मैंने आपसे नहीं कहा है, युग में गुंडा संत वो आशाराम मिलेंगे। लेकिन हमारा काम क्या है? हम यह विचार हैं हमारे, वो क्या है? क्या है राजन? और गुरु चरणों में देखो तो चारों धाम मिलेंगे। अरे गुरु चरणों में देखो तो चारों धाम मिलेंगे। तो भगवान, ये धूप पड़ रही है, पछैया बिहार चल रही है, ये तो राजन चल तो रही है और चलेंगे भगवान। लेकिन आप भी निराश हो गए हो? नहीं, निराश नहीं हुए हैं। अच्छा, कारण क्या है भगवान? कि 9:30 बजे शुरू करा दियो स्वांग, तो भाई 5 तो कम से कम महाराज जी बजने चाहिए। तुम महाराज इतनी जल्दी मत करो, हाथ जोड़े की बात है। और ये चल रही गरम पछैया, अजी चल रही गरम पछैया और उड़ उड़ आ रही धूल। हे मुनराज बता दो यश काशी कितनी। गरम पछैया और उड़ उड़ आबे धूल। हे मुनिराज बता दो यहाँ से काशी कितनी दूर। चल रही गरम पछैया। चलो नाथ जल्दी विलम ना लगाओ, हमें भेज अपना कर जा चुकाओ। चलो नाथ जल्दी विलम ना लगाओ, हमें भेज कर अपना कर जा चुकाओ। हे मुनिराज बता दो यहाँ से काशी कितनी दूर। चल रही गरम पछैया।
से काशी चल रहे भगवान। एक बात बताइए आप कि अयोध्या से जब से निकले हो तो काशीपुरी ऐसा तो है नहीं 10-20-50 किलोमीटर हो, पौने 300 किलोमीटर दूरी है। तो पौने 300 किलोमीटर दूर क्या हम 2 घंटा में 4 घंटा में 1 दिन में 2 दिन में पहुंच जाएंगे? अरे धीरे धीरे चलते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी चलते हैं, कभी रुक जाते हैं। मुझे विदित हो गया। लेकिन भगवान भाई बिना गाये तो ना छोड़ेंगे भाई। अच्छा अब शाम हो गई, अब तो कहते हैं सबकी मैया शाम है। हाँ जी शाम हो गई पग में छाले पड़ गए झाड़ियों की राह चल करिए। तुम तीनों प्राणी अपने नेत्र बंद करिए। क्या करेंगे? मैं अपनी भक्ति की शक्ति से तुम्हें काशी पहुंचा देता। वाह भगवान बड़े दयालु हैं आप तो। नेत्र बंद करिए और जिसने भी देखा खोला नेत्र वो यहीं रह जाएगा। अच्छा हाँ
के प्रभु नहीं खोलेंगे, पहुंचाओ। हाँ चलो मैं देख लेता हूँ इनमें से तीनों प्राणी कोई देख तो नहीं, नहीं, नहीं अपनी पोल खुल जाएगी। नारायण हरि नारायण हरि। एक आंख से देख रहा है कि कहीं बाबा जी चला तो नहीं गया। बेटा तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगा जब तक मेरा कर्जा नहीं चुक जाएगा। तो भगवान राजन इस बच्चे को समझाओ वरना यही रह जाएगा, तुम काशी पहुंच जाओ। ये बच्चा तो खैर नहीं रहेगा क्योंकि जब आपकी विचारधारा ऐसी है, लेकिन प्रभु छोटे बच्चे में थप्पड़ मारना ये अच्छी बात नहीं होती है। एक आंख से देख रहा क्या इसे छोड़ के जा सकता हूँ? नहीं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। ऐसा तो नहीं, एक बात बताऊं कि कभी तुम रामलीला में रावण तो ना बने कहूं। क्या कहा? हर बात को इतने जोश में बोलते हो, इतने जोश में बोलते हो और थप्पड़ मारते हो महाराज, तो कभी कभी थोड़ा नरम भी बोल लिया करो। नेत्र बंद करिए करिए। खोल दे पलक देख ले काशी जी की झलक। सभी जोर से जयकार लगाएंगे। बोले भोले नाथ की। क्या हुआ? मंदिर तो आ गया भगवान भोलेनाथ का, लेकिन आपने बड़े जोर से जयकारा बोला, लेकिन जितने भक्त यहां उपस्थित हैं बैठे हुए हैं लेकिन कोई बोला नहीं। ये सभी भोलेनाथ की माला फेर रहे हैं, माला फेरते वक्त कोई बोलता नहीं है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। क्यों? मुझे तो एक बात लगती है कि एक चीज एक बात सुनिए, कहा है भगवान की भक्ति तो केवल भावना से होती है, दिल से होती है। तो हमारे भीतर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है तुम्हारे अंदर? अच्छा, क्योंकि जिस भावना में भाव नहीं वो भावना बेकार है। जिस भावना में भाव नहीं वो भावना बेकार है, और भाव वाले भक्त का तो भव से बेड़ा। इसका मतलब रोहतास से जयकार लगवाएंगे? हाँ लगवाइए, मैं देखता हूँ कौन बोलता है। लगाओ जयकार रोहतास। बोल भोले बाबा की। क्या कहा? यानी जब मैंने बोला तो तुम्हारे मुंह में मूरा ठुक गया है? अरे पहले इनको बेच लूं, एक एक कर को तुमको भी बेच दूंगा। नहीं नहीं भगवान, यहां तो आज बहुत बड़ा काम है, फिर तो काम खराब हो जाएगा। तो जयकारा नहीं लगाया इन लोगों ने? नहीं, आपका कर्जा हमारे ऊपर है। हाँ आपका कर्जा हमारे ऊपर है। इनके ऊपर भी हो गया जो इन्होंने जयकारा नहीं लगाया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। आप अपने भक्तों को बुलाइए, लेकिन आपसे प्रार्थना है। भोलेनाथ जी की आराधना करना चाहते हो? कि आप तारावती और रोहतास से पहले मुझे बेचना। आप क्यों? कि इनका वियोग मुझसे देखा नहीं जाएगा। अच्छा, यानी बिछोड़ना ठीक मुझसे देखा नहीं जाएगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे बेचना पहले। नारायण हरि नारायण हरि। मुनिराज। हाँ आपसे विनती है। क्या? स्वामी से पहले पुत्र से पहले मेरा सौदा करना महाराज। क्यों? इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाएगा महाराज। ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। हाँ भाई तू कह। ओ बाबा जी। बाबा जी का बच्चा। माता और पिता से पहले आप मेरा विक्रय करना। एक काम करो, क्योंकि विक्रय तो बाद में होगा, पहले तुम तीनों प्राणी मिलके मुझे बेच डालो। अरे जैसा जिसका ग्राहक आएगा वैसा ही सौदा करूंगा। तब तुझे तो बेटा ऐसी जगह भेजूंगा। हाँ काशी में भी आ गया राजा हरिश्चंद्र, बिकने के लिए तैयार हो गया। मैंने राजा इंद्र से वादा किया कि इसके सद्धर्म को नष्ट कर दूंगा।
मैं तो वंचित दिख रहा हूं इस बात से, लेकिन नहीं, पहले इनको बेचूंगा। चलो काशी के वासियों, तीन प्राणी बेचते हैं, जिस किसी को आवश्यकता हो वो खरीद ले जाइए। जय भोलेनाथ की। चले भैया, काशीपुरी में जो भोले बाबा को मंदिर है वहां के सामने अपनी दुकान लगा मेंगे। हा अरे मैं तो मार बार को और मैं तो मार बार को क्या सिद्ध है, कौन खा सकता है और कौन नहीं खा सकता। अरे चने को खाए लक्ष्मण वीर, मारे मेघनाथ रणधीर, जिसका दिया कलेजा चीर। चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, चना जोर गरम। ग्राहक ना आ रो भैया, कैसे ना आ रो भैया, कोई ग्राहक आ जाओ भैया, ले जाओ बालू की भुनी हुई सिगरेट, मट्टी के तेल के परांठे आ रो, आ जा। अरे तो बैठ गो हूं मैं तो, नौकर कोई ग्राहक आ रो भैया, माल ले गो। आ जाओ भैया ले जाओ, कचौड़ी के कसम कचौड़ा, ना ले तो मर्दी के गाहक कैसे ना रे भैया। ले जा भैया हापड़ के पापड़, ना ले तो भार में, ये मेरी दुकान बंधवा दी का ही रणुआ ने भैया, ये मुझे गड़बड़ रामायण को पाठ करना पड़ेगा बैठ के। जब मेरी दुकान खुलेगी पूरा पाठ करूंगा रामायण को, ऐसे ऐसे रणुआ डोल ले मेरी दुकान जर रहे देख देख के, तो मेरा माल बहुत बिके ना। या मार भैया, यू बनेड़ी नमकीन बहुत खबाब है मोए, ले बताओ। जय हो मेरी गड़बड़ रामान, ये गड़बड़ रामायण, जय हो। अब पाठ करूंगा रामायण को, कल युग केवल अर नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। वाह कैसी लीला करी है भगवान ने कलयुग में। राम चले लंका की ओरा और सर पे धरो चून को बोरा। ओ बेवकूफ बनिया, चून का बोरा ले गए थे रामचंद्र जी 14 साल के गए। हाँ तो वह खामते वहां चूनना चाहिए हो। रामचंद्र जी लाए पपीता और लग गई ठंड, सुकड़ गई सीता।
ये कौन सी गड़बड़ रामायण है इस बढ़िया की? सीता जी ने फल खाए ज्यादा, पपीता न खा गई, ठंड लग गई, सुकड़ गई। ओ आधी रात गई और कप नहीं आए, और कपी ढूंढे तो बिटोरा में पाए। बेवकूफ, हनुमान जी बिटोरा में? ये गड़बड़ रामायण है। दीन बंधु दीना नाथ ताई ते कहे हो, द्रौपदी की लाज राखी द्वार का सिखाए हो, और लोमड़ी की पूंछ पकड़ के ज्वार में ते लाए हो। राम रमा पंत शिव धन लेऊ, और भेष को गधा लगे नंदेऊ। ये गड़बड़ रामायण है। अरे राम कहोगे जब निभोगे, अरे भग जाओ यहाँ ते नहीं बहुत पिटोगे। तेरी बाण को मोड़ो सारो कासू आखो जा। ए लाला ये बाण को सारो गाड़ी मत देना, दिमाग खराब कर दियो मेरो। ले सेठ प्लीज। क्या रामायण है? हाँ सबरी चौपाई, लोमड़ी की पहुंच पकड़ जो सबरी चौपाई को मेरे को दिमाग खराब कर दियो। हाँ पता। अच्छा? रामचंद्र जी बड़े दयालु, और कठूमर की मंडी में बेक रहे आलू। अरे ये तो बेवकूफ बनिया है। जय हो मेरी गड़बड़ रामायण। ये गड़बड़ रामायण है बताइए बा। लाला हम कुछ काम आए आपके पास। अरे काम का तू चून बेकेगो यहाँ मुँह पे तेरे। अरे? जैसे बाबा जी दिन भर चून मांगे गांव में, 10 किलो चून होगो, 15 किलो होगो, और दुकान पर बेचेंगे चाहे 5.5 रुपया किलो बेके। पैसा आ गए चून बेच के हाथ में, पहुंच गए ठेका पे, हाथ बबरा दिया से बॉम्बे की टिकट ले रहेगा। फिर वाते पौआ खरीद लेंगे, पीना शुरू कर दिया, फिर आ जाएंगे जब करेंगे चल सन्यासी संदर में, चल सन्यासी संदर में, तेरी बाण को मोड़ो सारो का। गाली मत देना, ये प्यार की भाषो है। अच्छा हाँ लाला। हाँ भाई हम कुछ बेच रहे हैं। है? हम कुछ सौदा बेच रहे हैं। कछु मंतर बेच रहे हैं? नहीं। और हींग बेच रहे हैं? नहीं। और कहा? तीन प्राणी। तेरी बाण को सारा मोड़ा, बुद्धि खराब होगी बाबा जी की। क्या यहाँ गंगा जी बह रही है, संबल सेवल ठुक रही है, या तीन पा पानी कौन खरीद रहे हो ससड़े यहाँ? अरे लाला तेरी बाण को मारो सारो मोड़ो। अरे ये तो गाली दे दे पैसे उस आदमी। प्यार की भाषा है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं भाई हम बेच रहे तीन मनुष्य। ये तीन मन भूसे कौन खरीदेगा? कहीं गौशाला में गेड़ दे ले जाके है, या पाट और भर रही है, कोठे भरे पड़े हैं भूसू। मेरे ससुरो कासी में आयो जन। लाला कौन से आप सेठ हो? है? कौन से सेठ हो? हम मारवाड़ी सेठ। अच्छा मारवाड़ी सेठ। अच्छा हाँ। तो तुम्हारी भाषा में बताना पड़े। हाँ। एक मोट्यार। मोट्यार? हाँ। और एक बींदड़ी। बींदड़ी? हाँ। और एक टावड़ा। टावर रिलायंस को है? अरे वो आईडिया को? वो टावर नहीं। बच्चों बच्चों टावड़ो टावड़ो। फिर इन्हें बेच रहे हैं? तेरी बाण को मोड़ा सारो। कौन सा देश है जा गृहस्थी बताओ बिक रहे हैं? बाबा जी बिक रहे हैं गृहस्थी ने। लाला हाँ वो सत्य के वचनों में बधे हुए हैं। जितना भी ये काशीपुरी में मेला लगा हुआ। अच्छा पूरे मेले का मैं दलाल हूँ। हाँ, तो बिकवा क्या मेरे बगैर या भैंस को पड्डा ना बिक रहे? तो क्या दलाली लोगे? दलाली तय कर ले। बोलो बोलो। ज्यादा नहीं लूंगा। हाँ इतना बहुत कम। अच्छा जैसे नमक में आटो। हाँ बोलिए। नमक में आटे की बराबर लूंगा। हाँ 1 रुपया में 16 आना मेरे बाकी तेरे। क्या कहा? हाँ फिर हमको क्या बचा? वो बचने ते का मतलब है तो इस कमंडल को बेच के तुम्हें और दे जाए। मेरा ससुरो कहाँ से आपको जाने, तेरी बाहर को मारू सारा। लाला ज्यादा है? ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो तुम अगर बिकवाते हो हाँ। उनको तो ठीक है, नहीं मैं दूसरे चौराहे पे चला जाऊंगा। हाँ
हाँ क्यों पर्दा में कर ले पर्दा पर्दा क्या अब व्यापारी तड़े आजा पर्दा में कर ले भाई हम नहीं जानते व्यापारी हम बतावेंगे आजा आजा ए, सुने तू गांजो तो ना पीवे कहीं ए, मेरे ससुरे बास आ रही है तो पैसे चिलम की बदबू मार रही है वो तो चलता है चलता है पड़े के मुंह कर ले ला ला हाथ ला कहाँ ले जा रहा हूँ निचला निचला कहा कर रहे बोलो पीछे मत पकड़ ले पकड़ ले इतनो ले जागो ना 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 अरे बड़ा लंबो चढ़ो कुछ ना बिगड़ रो इतिए तो ले जावे वो तू ना 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 ओ नाना ही नाना कह रो फूफड़ आके तक ही गाल बा कह रो जब मेरे ससुर नाना ही नाना कह रो सेठ जी हाँ दूध का दूध और पानी का पानी कर दो अच्छो हाँ देख तेरी आत्मा उठे तो भाई कड़ियो नहीं मत कड़ियो ए यू मेड़ो और यू मेड़ो और ये तेड़ो सत्यानाश यहाँ तेरा का हो गो है काहे गो चलो हमें मंजूर है मंजूर है बुलाओ ग्राहकों को ठीक सुनो लगाओ आवाज अभी ग्राहक आ रहे हैं हाँ हाँ भाई बासी के काशियो अरे लाला उल्टे बोल रहे हो बासी के काशी और काशी के बासी का ना 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 मैं उल्टा ही बोलू काशीपुरी बारे सब समझे मेरी बात अच्छा हाँ आओ यहाँ पर एक नौजवान एक औरत एक बच्चा बिक रहा है जिसको भी चाहिए वो खरीद सके अब ग्राहक आ रहे आने वाले ठीक है हाँ बुलाइए ग्राहकों को बिकवाइए हमारे सौदा को और अपनी दलाली लीजिए हे भगवान हे भोलेनाथ मैं जाति से मेहतर मेरा जन्म मेहतर कुल में हुआ है हे प्रभो मैं आपके दर्शन भी अंदर जाके नहीं कर सकता मैं बाहर से ही आपका भजन कीर्तन मनन करता हूँ लगन तुमसे लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए तुम्हें अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा छिपी याद करते थे लो अब पर्दा उठा बैठे लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाए देगी लो अब पर्दा उठा बैठे
आवु परदा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगल तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जा। चलता हूं। आज काशीपुरी में बड़ा शोर शराबा हो रहा है। शेठ जी की दुकान पे चलता हूं, वहां से काशीपुरी की पूरी जानकारी मिल जाती है। शेठ जी जय गोपाल जी की। जय गोपाल की। आजा भैया कहा ले गो, आजा ले ले आजा। तुम्हारी दुकान में तो सामान ही सामान होए। अरे कछु ले ले भैया। हाँ सब सौदा है बता। तमाकू बना रहो? हम मैं तमाकू बना रहा हूँ। हाँ भैया नेक्स्ट तमाकू दीजिए। तमाकू खाओगे? अरे मेरी डिबिया बेड पे पड़ी रह गई। अच्छा सेठानी की और मेरी धींगा धींगी हैगी बेड पे। अच्छा वही डिबिया भूल आए मैं भैया। अच्छा ले खा लो। ला 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 ले। अच्छी अच्छी क्या हुआ? बड़ी कड़क तमाकू वाला। और का कड़क तमाकू है कानपुरी है। हमने बड़ी कंपला बबरा रखी है। कंपला बबरा रखी है हमें। हाँ बैरेंट है हमें भैया। हाँ लाला। हाँ ले सेठ जी आजा हम मिल ले। हो आजा आजा बहुत दिन है कि मेरे ससुरे पे तो कैसी हैरान सी मार रही है यार के पता नहीं नावे के ना नावे भैया। लाला। हाँ तो पे बेटा नहाने धोने को समय ना मिलेगा? नहावे धोवे को सेठ जी 8 महीना तो नहाऊ ना। 8 महीना? हाँ अरे राम 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 भैया काकरे तू 8 महीना तक? 8 महीना यही सेवा करता हूँ बस्ती की। बस्ती की सेवा? हाँ कोई तू भंडारे कर रो भैया? सेवा भंडारे से ही थोड़ी होती है। और काकरे तू भाई बस्ती की? हाँ कहाँ रे है तू? आप मोला जानो। अरे ले भैया नेक्सी तमाकू खाइए। मैंने कोई कीड़ खाई है सुतरे तेरी सेठ जी? तो जानू आपकी दुकान के पीछे जो पीपल का वृक्ष है ना, पीपल हा? का पेड़। हाँ हाँ वहाँ है मेरा मकान। वो तो कालू मेहतर को। अरे तो कालू मेहतर ही तो हूँ मैं। कालू मेहतर और का? अरे पहचान ना रहे तुम वो? ये मैंने तमाकू और खाली जो बाबा जी देख रहा मेरे ससुरो। तो बाबा जी ना आ रहो और मैंने यहाँ की तमाकू। लाला का है? तू सूद्र की तमाकू खा गया? कौन कहे खाई है? और सुबह तेरी बिरादरी को जोड़कर तुम्हें जात में से छिकवा दूंगा। अरे मैंने खाई ना है। और यहाँ धरी है सबरी यहाँ फिर? और नेकाद अंदर चली भी गई है। हाँ तो सुबह भैंसा को गोबर लूंगो बाल्टी में। हाँ मैं मिट्टी मिलाऊंगो पानी मिला के घोर के पी जाऊंगो। फिर क्या होगा? चौका लग जाऊंगा।